फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन बी ऑलवेज ब्यूटीफुल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बिल्कुल ही नेचुरल और हर्बल सोप जो कि बिना कोई केमिकल के आता है। इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होता, ये टोटली केमिकल फ्री होता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे सोप है जिसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल होते हैं, जैसे लक्स, गोदरेज एक्सेट्रा, जिसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन ये जो सोप है वो बिल्कुल ही केमिकल फ्री है। मैं बात कर रही हूँ खादी नेचुरल्स के एलोवेरा और सैंडलवुड सोप के बारे में। इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आती है, आउट ऑफ 10 वेराइटीज़ आती है। आप कोई भी अपने फ्रेगनेंस या फिर अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं चूज़। ये वैसे तो ये सारे स्किन टाइप्स के लिए आते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एसेंशियल एडिट होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे रोज वाटर, सैंडलवुड, एलोवेरा एक्सेट्रा, या फिर इसके अंदर एवोकेडो, लेवेंडर और भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो वेराइटी के सोप है, सैंडलवुड सोप और एलोवेरा सोप। ये जो दो सोप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं हमेशा यही दो फ्लेवर के सोप यूज़ करती हूँ जो कि मेरे स्किन टाइप को बहुत अच्छे सूट करता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपके सेंसिटिव स्किन को भी अच्छे से रखेगा, और सबसे ज़्यादा ये आपको विंटर्स में काम आने वाला है क्योंकि ये टोटली ग्लिसरीन सोप है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर सोप बेस के अलावा ओनली जो एसेंशियल नेम दिए हुए हैं, जैसे सैंडलवुड के एसेंशियल और एलोवेरा के एसेंशियल ही मिलाए हुए हैं, और कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नहीं। आप इसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ये जो दो सोप है उसके फ्रेगनेंस और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये दिखने में बिल्कुल ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एक हैंडमेड हर्बल सोप है जैसा कि इसके ऊपर मेंशन किया गया है, जो कि एसेंशियल ऑयल, जैसे कि सैंडलवुड है तो सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल इसमें ऐड किया हुआ है। ये सारे स्किन टाइप के लिए है। ये 125 ग्राम का है। वैसे तो ये आपको नॉर्मल मार्केट में 80 रुपीज़ का मिलता है, लेकिन अगर आप इसे जियो मार्ट या फिर कभी भी ऑफ़र या सेल में परचेस करेंगे तो ये 40 रुपीज़ का या फिर उससे भी ज़्यादा या कम मिल सकता है आपको, जैसा ऑफ़र हो इसके ऊपर। अभी तो मुझे ये हाफ़ प्राइस में, जैसे 80 का हाफ 40 में मिला है मुझे। ये दोनों मुझे टोटल 80 में पड़ा है, ईच मुझे 40 रुपीज़ में पड़ा है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से जाके आप इसे हाफ़ प्राइस में परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी नेचुरल है, जैसे इसके अंदर कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऐड किया हुआ नहीं है, जैसा कि यहाँ पर एक बार सोडियम सेट्रेट, ग्लिसरीन, प्रोपेलिन और काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अंदर फ्रेगनेंस एंड कलर भी एडेड है जो कि थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, लेकिन ये फिर भी एकदम नेचुरल है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल ऐड नहीं है जैसा कि नॉर्मल सोप्स में होता है। इसके अंदर सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट है और वीट जर्म है जो कि हमारे स्किन को बिल्कुल ही मॉइस्चराइज रखता है। ग्लिसरीन जो होता है वो हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्राइस मेंशन की हुई है, और इसकी सेल्फ लाइफ 3 इयर्स की आती है, 36 मंथ्स की, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी थोड़ी सी हाई है, लेकिन अगर आप इसे सेल में परचेस करेंगे तो ये आपको बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा। और ये जो खादी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ और इसकी टेक्स्चर और इसका लेदर दिखाती हूँ कि ये कैसा लेदर क्रिएट करता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। ये टोटली हैंडमेड सोप है, तो जो इसका शेप है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, मीन्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये हैंडमेड सोप है। इसीलिए इससे ही पता चलता है कि ये बिल्कुल ही नेचुरल और बिल्कुल ही रियल हैंडमेड सोप है। और इसकी जो फ्रेगनेंस है वो माइल्ड है, एलोवेरा वाले की फ्रेगनेंस थोड़ी सी माइल्ड है और सैंडलवुड सोप की फ्रेगनेंस स्ट्रांग है। अगर आपको माइल्ड फ्रेगनेंस पसंद है तो आप ये वाला चूज़ कीजिए, और अगर आपको स्ट्रांग फ्रेगनेंस पसंद है तो आप ये वाला चूज़ कीजिए। इसकी फ्रेगनेंस थोड़ी सी जैसे कि सारे सोप्स में आती है वैसी फ्रेगनेंस है, बिल्कुल ही अच्छी फ्रेगनेंस है, क्यूट फ्रेगनेंस है। आप इसे यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको नहाने में, और परफ्यूम टाइप फ्रेगनेंस है। अब मैं इसका लेदर क्रिएट करके आपको दिखाती हूँ। ये आपको स्क्रीन, इसे अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको अपने हैंड को अच्छे से वेट कर लेना है, और फिर उसके बाद आपको इसका एक लेदर क्रिएट करना है। इसका लेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट बनाएगा, सपल बनाएगा, ग्लॉसी बनाएगा, और ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखेगा। स्पेशली अगर आप विंटर के लिए सोप फाइंड करें तो ये आपके फेस को विंटर में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रखेगा। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ये आपके फेस को मॉइस्चराइज रखेगा विंटर में, क्योंकि ये ग्लिसरीन सोप है और ग्लिसरीन हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। इसलिए आप इसे स्पेशली विंटर में ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वॉश करने के बाद आप मेरे हैंड को देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट और फेयर दिखाई दे रहा है, और बहुत ही अच्छा सा एक ग्लो आ गया है मेरे हैंड पे, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये सोप यूज़ करने में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है ये सोप।
फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको फुल रिव्यू दिया खादी नेचुरल्स के सैंडलवुड और एरोवेरा सोप के ऊपर। ये आपको रिव्यू कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।